Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. तो प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हमारा अनवान है टे उर्दू का हमारा लेक्चर है। तो आज आप अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करें ताकि हम अपना लेसन स्टार्ट कर सकें। सब ने ये वाला पेज ओपन करना है और आज हमने कौन सा हर्फ पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है टे। हमने कौन सा हर्फ पढ़ना है? टे। टे पहले गौर से सुने, उसके बाद मेरे साथ मिलकर पढ़ें। टे टे, और टे की साउंड क्या होगी? टे ट ट टोपी। टे ट ट टोपी। टे ट ट टोपी। टे ट ट टोपी। और आप लोगों ने टोपी तो देखी होगी, आप लोग पहनते भी हैं टोपी। हाँ जी, ये वही वाली टोपी है जो आप लोग पहनते हैं। टे ट ट टोपी। टे ट ट टोपी। तो चले आए, हम देखते हैं कि हमने टे को लिखना किस तरह से है। टे को लिखने के लिए हम फिर वही लाइंस यूज करेंगे। कौन सी लाइंस याद करें? कौन सी लाइंस? हाँ जी, वही लाइंस जो हमने सीखी थी। और वो कौन सी लाइंस हैं? एक दफा रिपीट करते हैं, हमने रिमाइंड करते हैं कौन सी लाइंस हैं। वो फोर लाइंस हैं। सबसे पहली लाइन कौन सी है? सबसे पहली लाइन है स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन? स्टैंडिंग लाइन, जो कि बिल्कुल सीधी होती है। दूसरी है स्लीपिंग लाइन, जो इस शेप की होती है। तीसरी है कर्व लाइन। अपने हैंड को अगर इस तरह से करें तो ये वाली जो गोल शेप बनेगी, ये कर्व लाइन की शेप है। और जो लास्ट वाली है वो है स्लैंटिंग लाइन। अगर अपने हैंड को इस तरह से करें तो ये वाली जो शेप होगी, ये स्लैंटिंग लाइन की शेप होगी। तो चले आए इन लाइंस में से हम कुछ लाइंस को यूज करके तो हम टे को लिखना सीखते हैं। ये देखें, आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे। टे के लिए हम कितनी लाइंस यूज करेंगे? टे के लिए हम टू लाइंस को यूज करेंगे। एक होगी स्टैंडिंग लाइन, दूसरी होगी स्लीपिंग लाइन। हाँ जी, तो चले आए देखते हैं। सबसे पहले टे को लिखने के लिए हमें क्या करना है? एक छोटी सी हमने स्टैंडिंग लाइन लगानी है। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगानी है। उसी तरह हमने टे को लिखना है जिस तरह हमने बे को, पे को और ते को लिखा था, बिल्कुल उसी तरह लिखना है। लेकिन आपने टे के ऊपर एक छोटी तोय बनानी है, नुक्ते नहीं बनाने। एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, एक फिर हम स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। ये शेप तो आपने देखी होगी, पहचान करें। हाँ, इसी तरह की बे भी थी, इसी तरह की पे थी और इसी तरह की ते भी थी। अब हम ते के ऊपर क्या लिखेंगे? नुक्ता नहीं लगाएंगे बल्कि एक छोटी सी तोय बनाएंगे। और तोय देखिए मैंने किस तरह से बनाई है। तोय बनाने के लिए भी हम टू लाइंस को यूज करेंगे। एक कौन सी लाइन होगी? एक होगी स्टैंडिंग लाइन, दूसरी लाइन होगी कर्व लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी कर्व लाइन को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो वो हमारी पास छोटी तोय आ जाएगी, छोटी तोय। फिर से एक दफा लिखते हैं टे को लिखने के लिए। एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और ऊपर छोटी तोय बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरी कर्व लाइन लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी? टे। और आप इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने टे के ऊपर छोटी तोय बनानी है तो ये जो वहां से आपकी, ये देखिए स्टैंडिंग लाइन दोनों साइड से स्टार्ट हो रही है, इसके बिल्कुल इक्वल आपने छोटी तोय बनानी है। आपने इसके अंदर छोटी तोय नहीं बनानी, बिल्कुल इसके स्टैंडिंग लाइन के इक्वल बनानी है। फिर से देखें, एक और मैंने आपको तरीका बताया था कि हम टे को किस तरह से लिख सकते हैं, बे को किस तरह से लिख सकते हैं, पे को किस तरह से लिख सकते हैं। हम दोनों साइड्स पे छोटी सी स्टैंडिंग लाइंस लगा के और जो नीचे वाली लाइन है उसे स्लीपिंग लाइन के साथ इन दोनों के एंड पॉइंट को जब आपस में जोड़ देंगे तो ये भी टे की शेप आ जाएगी हमारे पास। ये कौन सा हर्फ बन जाएगा? टे। और टे के ऊपर जब छोटी तोय बनानी है तो क्या करना है? इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और दूसरी कर्व लाइन लगाएंगे। क्या बन जाएगी? छोटी तोय। इसके ऊपर छोटी तोय बन जाएगी। तो ये क्या हो गया? टे। कौन सा हर्फ है?
छोड़ दिया और इसके बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन के जो फर्स्ट पॉइंट है, फ्रंट वाले पॉइंट है, उनको बिल्कुल उनके जो इक्वल हमने छोटी तोय बनानी है, बिल्कुल सेंटर में करके एक स्टैंडिंग लाइन लगाई, दूसरी हमने कर्व लाइन लगाई, तो ये क्या बन गया है, टे। क्या बन गया है, टे। हाँ जी, और टे हम किस तरह से पढ़ेंगे, जब हम बोर्ड पे लिखा इस तरह देखेंगे या अपनी नोटबुक पे लिखेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, टे के ऊपर छोटी तोय, टे के ऊपर छोटी तोय, टे के ऊपर छोटी तोय। तो चले आए, अब हम रंग भरते हैं। आपको पता है, आपने बुक में भी पढ़ा होगा, ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये है टोपी। बुक में क्या पढ़ा है आपने, टे ट ट टोपी, टे ट ट टोपी। और टोपी में हम रंग किस तरह से भर सकते हैं, सबसे पहले आपने अपने कलर्स अपने पास रखने हैं, उन कलर्स में से जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं उन्हें आपने सेपरेट कर लेना है, उन कलर्स में से एक कलर को आपने पकड़ना है और सबसे पहले आपने जिस पार्ट में कलर करना है उसकी सबसे पहले आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है, बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपने उसमें कलर्स करने हैं। ये देखें, अब हम सबसे पहले इस पार्ट में कलर करेंगे, इस पार्ट में कलर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, बाउंड्री ड्रॉ कर लिया हमने इस पार्ट की, देखें तो अब हम इसमें कलर्स कर देंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है कि जिस पार्ट में आपने कलर करने हैं उसमें आपने सबसे पहले बाउंड्री ड्रॉ करनी है, बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपने उसमें कलर्स करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आज हमने टेक को पढ़ना और टेक को लिखना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपको जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।